हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों 16 अप्रैल के बेस्ट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करते हैं दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फिट इंडिया और किस बोर्ड ने पहली बार साथ मिलकर फिटनेस सेशन स्टार्ट किया दोस्तों स्कूल के बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है CBSE, बी ऑप्शन है ICSE, सी है IGCSE, डी है PSEB। दोस्तों ए ऑप्शन सही है, CBSE और फिट इंडिया मूवमेंट ने फिटनेस सेशन स्टार्ट किया है स्कूल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री अनाउंस COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम सार्क कंट्रीज़? दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है जो COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो सार्क कंट्री के प्रोफेशनल के साथ होगा? ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। डी ऑप्शन सही है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये अनाउंस किया है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट बात करते हैं सार्क की। दोस्तों इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें दोस्तों 8 कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान सार्क के साथ लास्ट में जुड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच नेशनल पार्क बिकम्स इंडिया फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स? कौन सा दोस्तों नेशनल पार्क है पहला जो क्वारंटाइन बना है जानवरों के लिए? ए ऑप्शन है जिम कोबैट नेशनल पार्क, बी है कन्हा नेशनल पार्क, सी है काजीरंगा नेशनल पार्क, डी है दुधवा नेशनल पार्क। दोस्तों ए ऑप्शन सही है, जिम कोबैट नेशनल पार्क है जो क्वारंटाइन बना है जानवरों के लिए। कन्हा नेशनल पार्क दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है और दुधवा उत्तर प्रदेश में है। जिम कोबैट दोस्तों ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद SBI लॉन्च भारत इंस्टापे ए UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म? तो दोस्तों कौन सी कंपनी ने SBI के साथ पार्टनरशिप की है जो पेमेंट पे करेगी दोस्तों भारत इंस्टापे? ए ऑप्शन है Airtel, बी है Idea, सी है BSNL, डी है वोडाफोन। सी ऑप्शन सही है, BSNL ने SBI के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मोनेटरी फंड हैज़ डिक्रीज इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट टू विच फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21? तो दोस्तों IMF के अनुसार हमारी GDP ग्रोथ क्या रहने वाली है? ए ऑप्शन है 1.6%, बी है 1.7%, सी है 1.8%, डी है 1.9%। डी ऑप्शन सही है, 1.9% हमारी GDP ग्रोथ रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। IMF की बात करें, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका Washington DC USA में है। इसके जो MD हैं दोस्तों वो है कैरिस्टिना जॉर्जिवा और चीफ इकोनॉमिस्ट है इसके गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंपनी विंस एडिशन अवार्ड 2024 सोशल इनोवेशन? तो कौन सी कंपनी ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है? ए ऑप्शन है NTPC, बी है टाटा पावर, सी है अदनानी पावर, डी है रिलायंस पावर। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, टाटा पावर ने ये अवार्ड जीता है। इन्होंने दोस्तों एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। तो ये दोस्तों इसके कारण ये क्लब ने काफ़ी इनोवेशन किया जिसके कारण काफ़ी एनर्जी कंजर्वेशन हुई और इसी कारण इस टाटा कंपनी को ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया? पोकर स्टार का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ए ऑप्शन है MS धोनी, बी है विराट कोहली, सी है युवराज सिंह, डी है रोहित शर्मा। ए ऑप्शन सही है, MS धोनी पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्च डैश ए साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव? तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये कौन सा साइंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है कोविड केयर, बी है कोविड सुरक्षा, सी है कोविड ज्ञान, डी है नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन सही है, कोविड ज्ञान गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया ने साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च वेबिनार सीरीज देखो अपना देश। कौन सी मिनिस्ट्री ने दोस्तों वेब सीरीज लॉन्च की है देखो अपना देश? ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री। दोस्तों डी ऑप्शन सही है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यह वेब सीरीज लॉन्च की है। और जो हमारे दोस्तों टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो हैं दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल हैं हमारे टूरिज्म मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। तो ये दोस्तों इंटरनेशनल डे एक्शन फॉर रिवर्स कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी है 13 मार्च, सी है 11 फरवरी, डी है 14 मार्च। दोस्तों तो डी ऑप्शन सही है, 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन रिवर मनाया गया। ओके थैंक यू दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।